मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हियर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोफेसर्स ऑफ ऑल ब्रांचेस एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स. आई एम अविनाश कुमार एंड माय ग्रुप मेंबर्स आर ज्ञानदीप, अभिषेक कुमार एंड जितेंद्र कुमार. वी आर प्रेजेंटिंग हियर अ प्रोजेक्ट इन विच वी आर शोइंग दैट वी आर कन्वर्टिंग पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो पानी वेस्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग का हिडन एनर्जी, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी वेस्ट हो जाता था. अब वो पोटेंशियल एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करेंगे, वो भी मिनी हाइड्रो टर्बाइन के थ्रू. आइए आपको पहले मैं हाइड्रो टर्बाइन दिखा दूं. यहाँ पे मेरा टर्बाइन और जनरेटर कनेक्टेड है ये पाइपलाइन में, और ये पाइपलाइन में जो इनलेट है वो आ रहा है मेरा पानी टंकी से, और पानी टंकी से जो आ रहा है, जब मैं नल ऑन करूंगा तो उसमें मेरा पानी आएगा, तो वो जनरेटर मेरा काम करेगा, और जनरेटर काम करेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा 12 वोल्ट डीसी करंट. जो 12 वोल्ट डीसी करंट आएगा वो मेरा जाएगा यहाँ बैटरी में, और बैटरी में जाने के बाद ये स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होने के बाद यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 12 वोल्ट 7 एम्पियर का बैटरी में स्टोर करके इसको इन्वर्टर में भेज रहे हैं. और ये है मेरा इन्वर्टर सर्किट. यहाँ पे मेरा 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे ये पूरा ऑसिलेटिंग सर्किट है. यहाँ क्या हो रहा है, मेरा 12 वोल्ट डीसी करंट जो है 220 वोल्ट एसी करंट में ट्रांसफर हो जा रहा है. ये है मेरा ट्रांसफार्मर जो 12 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर रहा है. और यहाँ पे मेरा ये टावर एक एग्जांपल के तौर पे लगा हुआ है कि ये मेरा 9 वॉट का एलईडी बल्ब है जो हम घर में यूज करते हैं, इसमें मेरा जल जाएगा. ठीक है, तो अब हम लोग दिखाने वाले हैं इसका वर्किंग कंडीशन, और वर्किंग कंडीशन में इसका वोल्टेज और मीटर रीडिंग क्या आता है ये हम लोग दिखाने वाले हैं. तो अब नल ऑन होगा, ठीक है, और इसके बाद इसका मीटर रीडिंग आएगा. ये देखिए नल ऑन हो चुका है, और उसके बाद हम यहाँ पे टर्बाइन का और जनरेटर का जो आउटपुट होता है वो दिखाने वाले हैं. देखिए ये है मेरा 12 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है, ठीक है, ये मेरा आउटपुट है जनरेटर का. और अब हम दिखाएंगे आपको वहां 220 वोल्ट जो आ रहा है मेरा, ठीक है, 220 वोल्ट का आउटपुट आएगा मेरा ट्रांसफार्मर में. 204 205 ये ऊपर नीचे होते रहता है, ये 200 के ऊपर मेरा आ रहा है, इसका मतलब मेरा वर्किंग कंडीशन में है ये इन्वर्टर 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है.